नमस्कार दोस्तों, नरेश आर्ट गैलरी हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश भगत। सो आज के एपिसोड में हम यहाँ पर प्लेयर्स लिखनी है इंग्लिश में, जैसे कि यहाँ पर हमने मराठी में प्रतिज्ञा लिखी है, इस साइड में हमें इंग्लिश में प्लेयर्स लिखनी है। तो सभी राइटिंग इंग्लिश में कर रहे हैं आज, तो हम किस तरह से इस पूरी राइटिंग की मेजरमेंट कर लेते हैं ये दिखाने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो अंत तक ये एपिसोड आप पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले गए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैटर हमें इस बोर्ड पर बिठाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइनें कितनी है तो ये देखना है हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 लाइनें हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर 12 लाइनें मार्क कर लेना है पहले। तो हम किस तरह से कर लेते हैं 12 लाइन, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अंदाजा लगाना है कि यहाँ से ऊपर तक हमें हेडलाइंस लिखनी है, मतलब यहाँ से, और यहाँ से नीचे तक हमें 12 लाइनें बिठानी है। तो किस तरह से हमें बिठानी है तो देखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक का इसका सेंटर निकालना है पहले। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इस तरह से पकड़ लिया है सेंटर निकालने के लिए, और उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक ऊपर से यहाँ तक आई लाइन, नीचे से यहाँ तक आई, उसके बीच में ये सेंटर आ गया। पहले हमें सेंटर तक ही 6 लाइन का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद हमें 12 लाइन का मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट लेने के लिए पॉइंट लगाने के लिए इस तरह से हमें रस्सी को पकड़ना है और इस तरह से मार्क बनाने हैं। पहले 6 लाइन यहाँ तक आई है और ऊपर में और 6 लाइन, और ऊपर में जितनी भी जगह बची हुई है तो उतनी जगह हमें हेडलाइंस के लिए छोड़ देनी है, और दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह मार्क बनाने हैं रस्सी मारने के लिए, इस तरह पकड़ कर। अब हमें सही मार्क हमने की या नहीं की है तो इस तरह से हमें ऊपर से भी नाप लेना है, सेम आए हैं या नहीं आए। इस तरह हमारा मेजरमेंट सही आ चुका है। तो अब हमें रस्सी से लाइन मारना है, तो उससे पहले हमें रस्सी को छोटी उंगली में लपेटनी है और इस तरह चाक से घिसट कर हमें पटकना है, जैसे कि इस तरह से। अब हमें लाइन गिन लेनी है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब हमें इसके बीच में और एक लाइन बनानी है, उसके लिए हमें इस तरह से मार्क बनाना है स्किल लगाकर, और ये इस तरह हमने 3 मार्क बनाए हैं। तो सभी इस पर हमें इसी तरह से मार्क बनानी है। सामने से थोड़ी जगह हमें छोड़नी है तो इसलिए इस तरह से मार्क बनाने हैं ऊपर और नीचे, और इस तरह से हमें रस्सी को पटकना है। यहाँ पर हमें एक्चुअल में इसी तरह से हमें मैटर बिठाना है। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है इस मैटर का, तो ये रहा इसका सेंटर। तो इसी तरह से हमें ये लाइन मारनी है सीधी, इस तरह से यहाँ पर मार लिया है लाइन। तो उसी तरह से उस बोर्ड पर भी हमें सीधी लाइन मारनी है सेंटर पर, तो इस तरह से नाप लेकर सेंटर हमें, तो इस तरह से हमने ये सेंटर निकाल लिया है बीच में। उसी तरह से यहाँ पर एक पैराग्राफ है छोटी लाइनें, ये उसके लिए भी एक और लाइन हमें मारनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल है राइटिंग, उसी तरह से इस बोर्ड पर अभी हमें स्मॉल और कैपिटल लिखना है, कैपिटल और स्मॉल। तो स्मॉल लेटर के लिए हमें और अलग से लाइन खींचनी पड़ेगी, तो वो लाइन खींचने के लिए सबसे पहले हमें मार्क करनी है। तो इस तरह से मार्क बनाने हैं बीच बीच में स्केल की सहायता लेकर,
यहाँ तक हमें मैटर देना है और यहाँ से मार्क करना है। तो उसी तरह हमने स्केल पर भी एक मार्क बना लिया है, तो उसकी सहायता लेकर के हम बनाते हुए अब हमें यहाँ पर बीच में लाइन पकड़ने पकड़नी है स्मॉल लेटर के लिए, ये अलग से लाइन है। अब पेंटिंग स्टार्ट करते हुए और अंत तक ये एपिसोड आप पूरा देखें, बहुत ही नॉलेज देने वाला ये एपिसोड है। इस तरह से हमें इंग्लिश में राइटिंग करनी है तो किस तरह से ब्रश खींचना है, किस तरह से ब्रश चलाना है, तो ये हम दिखाने वाले हैं। तो बिना स्किप करें ये एपिसोड आप अंत तक पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइस इस एपिसोड का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद। ये लाइन दिखनी है।